Good morning, children. I am Dijit Kajur, the subject of science, class 4, and chapter number 2. The name of chapter is the food factory. Food factory, plant or living things, पौधा सजीव वस्तु. Green plant make their own food. हरा पौधा अपना भोजन खुद बनाता है. Each plant leaf is little food factory. प्रत्येक पौधे के पास अपनी भोजन बनाने की फैक्ट्री होती है. मोस्टली ऑल वेराइटीज ऑफ लीव्स आर इन वेरी शेडेड ऑफ द ग्रीन कलर, यानी अधिकांश पौधे की पत्तियां हरी होती है और हरा होने के कारण उसका क्लोरोफिल है. हरे पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पौधे की पत्तियां हरी होती है. No other green plant of plants or non-living plants of leaves can make food. यानी जिन पौधे के पास हरी पत्तियां नहीं होती है वो पौधा अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं हो पाता. Types of leaves. टाइप्स ऑफ लीव्स, पौधे की पत्तियों का भाव. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. विभिन्न प्रकार के पौधे की पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है. समटाइम्स ए लीफ इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड लीफ एज ए ग्लम्बर, मलबेरी, रोज, इकोलिप्टस एंड सेडम. etc. Part of leaves. पत्तियों के भाग. There are many parts of leaves. Leaves blade. The flat part of the leaves is called leaf blade. It is green in color due to presence of green pigment called chlorophyll. If you observe the black side of a leaf, you will clearly see many lines. आप इसके बीच में देखेंगे कई छोटी छोटी लाइनें गई होती है. So मेन रेट से साइड में गई होती है जिससे हम वेनेस करते हैं. इफ यू ऑब्जर्व द ब्लैक साइड ऑफ द लीव यू विल क्लियरली सी मेन लाइंस. दीज लाइंस आर कॉल्ड वेनेस. रनिंग थ्रॉट द मिडिल यानी मध्य सिराओं से जाती हुई प्रतीत हुई है. This is called midveins, जिसे हम midveins कहते हैं. यानी ये सिराएं जो गई होती है इसका नाम मध्य सिरा है. There are other smaller tubes that run from the main veins and are called side veins. इसके समीप से जो भी ये लाइनें साइड में गई हुई होती है ये हम मिड वेनस से जो भी लाइन निकली हुई है हम उसे साइड वेनस कहते हैं. वेनस साइड वेनस. दे कैरी वाटर फ्रॉम मिनरल्स टू दे कैरी वाटर फ्रॉम एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट ऑफ द लीव्स. ये जो सिराएं होती है पौधे की पत्तियों के हर भागों में पानी और खनिज पदार्थों की मात्राओं को ले जाने में सहयोग करता है. इन पत्तियों के निचले हिस्से में एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से पौधा शोषण किया करता है. द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स कंटेन ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, जिसे हम स्टोमेटा नाम से जानते हैं. इसके निचले हिस्से में छोटा छिद्र होता है जिसके माध्यम से यह पौधा श्वसन क्रिया करता है.
जिसको इंग्लिश में हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के माध्यम से पौधा श्वसन क्रिया करता है। हाउ टू मेक फूड, हाउ टू प्लांट मेक फूड, पौधा भोजन कैसे बनाता है इसके बारे में थी। प्लांट मेक देयर ऑन फूड जनरली इंग्लिश, पौधा अपना भोजन पूर्ण रूप से साधारण रूप से पत्तियों में बनाता है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को लेकर के, एयर हवा को लेकर के, एंड वाटर पानी को प्राप्त करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड सनलाइट। नीचे लिख रहा है सनलाइट प्लस बाय क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफिल फूड और प्लस ऑक्सीजन, इन सब को प्राप्त करके पौधा अपने भोजन का निर्माण करता है। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।